आप अपने स्किन केयर रूटीन में ऑयल, मॉइस्चराइजर, लोशन का तो यूज करते ही होंगे, लेकिन क्या आप अपने स्किन केयर रूटीन में टोनर का यूज करते हो? जो भी आप लोशन, मॉइस्चराइजर, क्रीम वगैरह यूज करते हो, उसके अंदर बेस पाया जाता है ऑयल का, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर एक्सेस ऑयल जमा होता है। काफी लोगों को इतना ज्यादा ऑयल जमा होने की वजह से पिंपल्स की दिक्कत होती है, और इसे क्रीम लोशन लगाने की वजह से काफी लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड की भी शिकायत रहती है। अगर आप इस कंडीशन के अंदर टोनर का यूज करते हो, तो टोनर का जो मेन काम होता है आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करना, इसके साथ ही आपकी स्किन को साफ करना, आपके जो पोर्स है उसको क्लोज करना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टोनर के बारे में जिसको आप घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हो, और जिसको हम बनाएंगे एप्पल साइडर विनेगर से। एप्पल साइडर विनेगर का मेन काम होता है हमारे स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करना, इसके साथ ही आपकी स्किन के ऊपर जो भी दाग धब्बे उसको साफ करना। जिनको शिकायत है एक्ने की, जिनको बार बार फेस के ऊपर एक्ने होते रहते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी अगर एप्पल साइडर विनेगर का यूज किया जाए तो आपके पिंपल को जड़ से खत्म करने का काम करता है। आपके स्किन के ऊपर जो भी डलनेस है, पिगमेंटेशन है, सनबर्न है, सनटेन है, उसको भी खत्म करने का काम करते हैं एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज करने की वजह से, उसके साइड इफेक्ट की वजह से अगर आपको ओपन पोर्स की शिकायत हो गई, या फिर आपके स्किन के ऊपर बार बार व्हाइट हेड या फिर ब्लैक हेड होते रहते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर व्हाइट हेड ब्लैक हेड को खत्म करने के लिए, पोर्स को बर्न करने के लिए भी एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही मददरूफ साबित होता है। एप्पल साइडर विनेगर के अंदर पाया जाता है मैलिक एसिड, जो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर जो भी बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को खत्म करने का भी काम करता है। एप्पल साइडर विनेगर का अगर रेगुलर यूज किया जाए तो आपकी स्किन को साफ करेगा, आपकी स्किन के दाग धब्बों को साफ करेगा, और आपके स्किन के ऊपर नेचुरली ग्लो बढ़ाने का काम करेगा। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एप्पल साइडर विनेगर से बड़ी आसानी से घर पे कैसे टोनर बना सकते हो। आज के वीडियो में हम सीखेंगे तीन तरह के टोनर बनाना। पहला जो हमारा टोनर है वो बनेगा ग्रीन टी से। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी ग्रीन टी की या फिर ग्रीन टी हाइड्रोसोल की। उसके अंदर हम ऐड करेंगे एप्पल साइडर विनेगर, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लो। उसके अंदर हम ऐड करेंगे टी ट्री एसेंशियल ऑयल। जो ग्रीन टी का टोनर है वो एक्ने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसके बाद हम बनाएंगे सेफ्रॉन टोनर, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सेफ्रन वाटर की। उसके अंदर ऐड करेंगे एप्पल साइडर विनेगर, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लो। उसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन एसेंशियल ऑयल, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल और फ्रैंकिंसेंस एसेंशियल ऑयल। इस टोनर का यूज करने से एंटी एजिंग का काम करता है, स्किन पे ग्लो बढ़ाता है, और स्किन के ऊपर जो भी दाग धब्बे है, पिगमेंटेशन, उसको धीरे धीरे खत्म करने का काम करता है। जो हमारा थर्ड टोनर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जिसको हम बनाएंगे रोज वाटर से। आपको यहाँ पे लेना है रोज वाटर, इसके अंदर हम ऐड करेंगे एप्पल साइडर विनेगर, और यहाँ पे उसके बाद हम ऐड करेंगे लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल। जो रोज वाटर का टोनर है वो सभी स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, हर कोई पर्सन इसको यूज कर सकता है, और ये बहुत ही इजिली सबकी स्किन के ऊपर सूट भी हो जाता है। जो भी हमने यहाँ पे टोनर बनाया उसका जो मेजरमेंट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात का खास नोटिस करें कि स्किन के हिसाब से आपको यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर की जो मात्रा होगी वो अलग अलग इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। जिस तरह से आप नॉर्मल टोनर को यूज करते हो, उसी तरह से आप इस टोनर को स्प्रे बोतल में भर लें, अपने फेस के ऊपर, हाथ के ऊपर इसको अप्लाई करें, स्प्रे करें। आप चाहो तो कॉटन से भी इसको लगा के अपने स्किन के ऊपर साफ कर सकते हो, या फिर इस टोनर को स्प्रे करने के बाद इसको ऐसी अपनी बॉडी के ऊपर रख सकते हो। इस टोनर के अंदर कोई भी तरह के प्रिजर्वेटिव या फिर कोई भी तरह के केमिकल का यूज नहीं होता, फिर भी ये टोनर बहुत ही इजीली 6 महीने तक खराब नहीं होता। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।